नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। हम फिर आ गए हैं आपके सामने लेकर एक नया वीडियो क्लास टेंथ का, जो कि है पहला पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस आंसर्स, जो कि आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दी हुई है। हम आ गए हैं सीधे पेज नंबर 14 पे, थिंकिंग अबाउट द पोयम। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बुक में दिया है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और द फ्लेक्स ऑफ स्नो, द सडन शावर्स इन द फॉर्म्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम अ सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। ये हो गया हमारा यहाँ पहला आंसर। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, हाउ डज अ फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चन में help you to think of an answer। तो इन सभी questions का answer मैंने नीचे दिया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार है, what are the birds that are usually named in a poems, do you think crow is often mentioned in the poems, what image comes to your mind when you think of a crow। तो इस पहले question का answer हो जाएगा हमारा, generally poets take the birds and a tree which are known for their beauties and good qualities like a peacock, parrot, cuckoos and mynas and a tree is full of beautiful flowers and fruits etc. But here Frost has taken a totally different approach. He chooses a crow, which is not often used in a poem. Crow is a black in color with a very harsh voice and is believed to be a symbol of a bad omen. Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind। तो यहाँ बोला जा रहा है कि फ्रॉस्ट जो है मोस्टली पोएट्री किस चीज़ों के लिए जाती है, किस तरह की चिड़ियाँ जो बर्ड्स हैं उनके लिए जाती है, पिकॉक की, पैरट की, कुकू की, मैना की, जिनकी वॉइस काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ नहीं, फ्रॉस्ट ने बिल्कुल हट के क्रो को लिया हुआ है और कौए की आवाज़ किसी को पसंद नहीं है, इवन उसे एक बैड सिंबल माना जाता है, फिर भी फ्रॉस्ट ने जो है क्रो को लिया हुआ है। और यहाँ क्रो की वजह से ही पोएट का जो नेगेटिविटी था, नेगेटिव मूड था, उसका बैड मूड था, वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो आंसर्स हैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बस एक सैंपल आंसर्स के जैसे है। अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डज नॉट द poet write about a more beautiful tree such as a maples or an oak or a pine। So हमारा दूसरा आंसर कुछ इस प्रकार से है, hemlock tree is poisonous plants with a small white flowers, the poet Robert Frost did not choose to use an oak, maples or a pine tree, instead he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world, actually he did so to present his moods and feelings। तो इस प्रकार ये था दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो, सोरो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट स्नो सोरो सॉरी सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मेटरलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स लोगों को आज के ज़माने में क्या पसंद है, मेटरलिस्टिक चीज़ें पसंद है, जैसे कि सामान से लोगों को प्यार हो चुका है आजकल, लोगों को फीलिंग्स से उतनी मतलब नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने हेमलॉक ट्री की बात की है, जो कि एक सोरो डिप्रेशन जिसका एक सिंबल होता है। बट पोएट यहाँ पे क्या बोलता है, फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड द डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल जो एनर्जी, लोग नेचुरलिटी को लोग खोते जा रहे हैं आज के ज़माने में, लोगों को जो दिखने में अच्छा है वही सही है, ऐसे कहते हैं ना कि मन सुंदर होना चाहिए, शकल से नहीं फर्क पड़ता है, तो लेकिन यहाँ पर आजकल क्या, शकल से ही फर्क पड़ता है, मन कोई नहीं देखने जाता। तो यहाँ पर जो पोएट है वो नेचुरल चीज़ों की और अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कि नेचर भी हमारे बड़े से बड़े दुख को जो है कम कर सकता है, हील कर सकता है, इसलिए उसने हेमलॉक ट्री जो नेगेटिविटी और डिप्रेशन और सोरो का सिंबल है उसे उसने अपने पोएम में लिया हुआ है, ना कि ब्यूटीफुल ट्री जो है प्लांट्स और ट्री को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ अ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो टेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्रीज मींस अ पासिंग थ्रू द सैड एंड द डिप्रेसिंग मोमेंट, द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी सोच रखने वाला आदमी। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हैव देयर
हैव देयर बीन टायर्डनेस व्हेन यू फेल डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस द सिमिलर मोमेंट्स दैट चेंज योर मूड दैट डे? सो हियर यू हैव टू राइट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज अ सिंपल आंसर, यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम दिस आंसर. सो द आंसर इज देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल डिप्रेस्ड एंड होपलेस. Sometimes such a moments were aroused by other people's behavior and attitude, and sometimes due to my own conduct. On one occasion, when I was very upset, I went out for a walk. While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. This little joy that they shared changed my mood, and I felt very happy for the rest of the day. I also joined the two and played with them. So this is a little incident. जो एक लड़की के साथ उसने बताया कि वो अपने डॉग के साथ खेल रही थी, उन्हें देख कर उन्हें बड़ा अच्छा लगा. तो हमारे साथ भी कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं हमारे लाइफ में. तो हमें उन जो भी हमें अच्छा लगता है, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को जो है गाना गाना अच्छा लगता है, तो हम अपने बिजी शेड्यूल में, पोएट बस यही बात कहना चाह रहा है, अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालिए और जो चीज़ आप पसंद है, जो खुद के लिए कुछ समय हर रोज़ आपको देना चाहिए, जो चीज़ आपको पसंद है उसे करिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ को बटोरिए, ना कि एक छोटे से सैड मूड को लेकर आप पूरा दिन अपना ख़राब करिए. ऐसा नहीं करना चाहिए. सो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. और नोट्स के लिए डोंट वरी, आई विल गिव द नोट्स इन डिस्क्रिप्शंस. तो आप वहाँ जाकर, मैं लिंक दे दूंगी नोट्स का, उस लिंक पे ओपन करके आप उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं. ये थी इस वीडियो की सबसे बम्पर ऑफर की वो सारे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं. बस क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और जम के पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए. सो बाय बाय एंड वॉच माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. बाय फ्रेंड्स.